आज हम महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना का अध्ययन करेंगे। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। आज हम महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं कि महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना क्या है, उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। पहला प्रस्तावना, महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर है, बहुत ही प्रतिनिधि कवित्री है। छायावाद का युग उथल पुथल का युग था, विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी, है ना। आज़ादी की लड़ाई भी उस समय चल रही थी, क्योंकि 1918 से 1936 का जो कालखंड है वह हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। कवि अपने समय के वास्तविक यथार्थ से प्रभावित होकर अपनी रचनाओं में उसके विशिष्ट प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति देता है ना। प्रत्येक कवि अपने समय की जो वास्तविकता है उससे प्रभावित होता है। जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे प्रभावित होकर वह अपनी रचनाओं में उनको अभिव्यक्ति प्रदान करता है, उनके प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति देता है, और उसकी रचनाएं ही उस युग विशेष की मूल प्रवृत्ति को रूपायित करती हैं, और उसकी रचनाएं ही बताती हैं कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, प्रवृत्तियां किस प्रकार की प्रवृत्तियां उस समय प्रचलित थी, और उसे वह अपनी कविताओं में स्थान देता है। लेकिन महादेवी जी अपनी काव्य रचना में प्रायः अंतर्मुखी रही हैं। लेकिन महादेवी वर्मा जी क्या है, अंतर्मुखी कवित्री रही है ना। उनके मन में जो चलने वाले अंतर्द्वंद हैं, जो दुख है, पीड़ा है, जो वेदना है, प्राय उसी को ही उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है, उनको अभिव्यक्त किया है। अपनी व्यथा, वेदना और रहस्य भावना को ही इन्होंने मुखरित किया है। तो इनकी अधिकांश कविताओं में इनकी व्यक्तिगत व्यथा, व्यक्तिगत वेदना और रहस्यानुभूति को इन्होंने स्थान दिया है, उसे मुखरित किया है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान किया है। उनकी कविता का मुख्य स्वर आध्यात्मिकता ही अधिक दिखाई देता है। महादेवी वर्मा की कविता का मुख्य स्वर क्या है, आध्यात्मिकता है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए उनके काव्य में जो दर्शन है वह बौद्ध धर्म से प्रभावित है और उसमें आध्यात्मिकता दिखाई देती है। हम यह कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा का काव्य प्रसाद इन चार स्तंभों पर अवस्थित है। महादेवी वर्मा के काव्य का जो राजमहल है, जो प्रसाद है ना, जो देव मंदिर है, वह इन चार स्तंभों पर खड़ा हुआ है। कौन कौन से स्तंभ हैं? वेदनानुभूति, वेदना या पीड़ा की अनुभूति, रहस्य भावना है ना, जिसको कहते हैं रोमांटिसिज्म, प्रणय भावना, प्रेम की भावना और सौंदर्य अनुभूति। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है उसे हिंदी में रहस्यवाद कहा जाता है। तो छायावाद जो है वह रहस्यवाद से प्रेरित है, इसीलिए इसे यह माना जाता है कि जो महादेव, जो छायावादी कवि हैं, उनमें रहस्य की भावना पाई जाती है। महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। छायावादी काव्य एक नई संवेदनशीलता का काव्य था ना। छायावादी काव्य की जो संवेदनशीलता है वह एक अलग तरीके की संवेदनशीलता है। इसमें बहुत ज़्यादा भावना का प्रस्फुटन, तीव्र आवेग दिखाई देता है। इस युग के कवि विशिष्ट अर्थ में संवेदनशील थे। इस युग के जो कवि हुए हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे। महादेवी वर्मा के संदर्भ में उनका व्यक्तित्व तो अपनी इंद्रधनुषी आभा लिए उनके काव्यलोक में उपस्थित होता रहा होता है। महादेवी वर्मा के काव्य की जहाँ तक बात है, उनकी जो कविता है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। प्रणयानुभूति पाई जाती है, वेदनानुभूति पाई जाती है, रहस्य भावना पाई जाती है और प्रणय निवेदन पाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो इंद्रधनुषी रंग हैं उनकी कविता में यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, जिनमें उनकी विशिष्ट व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। इस प्रसंग में नारी होना उनके पक्ष में जाता है। महिला होने के कारण वे कुछ अधिक संवेदनशील थी और यह उनके पक्ष में जाता है, उनकी कविता के पक्ष में जाता है। महादेवी की काव्य संवेदना की निर्मिति और विकास में उनके व्यक्तिगत एकाकीपन की भी महत्वपूर्ण रही है। महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना के विकास में उनका जो व्यक्तिगत जीवन का जो एकाकीपन है, जो अकेलापन है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, क्योंकि उन्होंने विवाह तो किया था लेकिन कुछ कारणवश उन्हें अकेला रहना पड़ता था। तो यह एकाकीपन उनके काव्य में सर्वत्र दिखाई देता है, वेदना के रूप में, पीड़ा के रूप में।
और इसकी वेदना विभिन्न आयाम में उनके काव्य में प्रकट हुई है। उनके एकाकी जीवन की जो वेदना है, जो पीड़ा है, पीड़ा की गहन अनुभूति है, वह उनके काव्य में सर्वत्र दिखाई देती है। वेदना के विविध रूपों की उपस्थिति उनके काव्य जगत की विशिष्टता है। वेदना के जितने भी रूप होते होंगे, विविध रूप होते होंगे, तो यह उनके काव्य में सर्वत्र विद्यमान है और उन्होंने उसको विशिष्टता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान किया है। प्रणय मतलब प्रेम। प्रणय एक जीवन दृष्टि के रूप में महादेवी के रचना लोक में विद्यमान रहा है ना। प्रेम की तीव्र अनुभूति इनके काव्य में पाई जाती है। उनका प्रीतम से नात्या अत्यंत गूढ़, अत्यंत अज्ञेय है। इसे समझने के लिए कभी कभी तो आत्मा परमात्मा के संबंध का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन महादेवी वर्मा जी का जो प्रेम है, वह शरीरी प्रेम नहीं है, अशरीरी प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है। वह अपने परम पुरुष विराट सत्ता के प्रति प्रणय निवेदन करती हैं। इसीलिए जो महादेवी वर्मा हैं, उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जिस प्रकार मीरा का भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, वह आध्यात्मिक प्रेम था, अशरीरी प्रेम था। इसीलिए महादेवी वर्मा का जो प्रणय निवेदन है, जो प्रेम की भावना है, प्रणयानुभूति है, वह भी उस परम पुरुष विराट सत्ता के प्रति है। इसीलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। जीवन को विरह का जलजात मानने वाली महादेवी प्रणय के संयोग पक्ष का भी चित्रण करती है। महादेवी करती हैं कि विरह का जलजात जीवन, जलजात मतलब जो जल में जन्म लेता है, जैसे कमल फूल है। मतलब जीवन क्या है? विरह का जलजात है, दुख का कमल है। मानने वाली महादेवी प्रणय के संयोग पक्ष का भी चित्रण करती है। महादेवी वर्मा में केवल प्रेम के वियोग पक्ष का ही चित्रण नहीं है, बल्कि इन्होंने प्रणय या प्रेम के संयोग पक्ष का भी चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। प्रेम अपने समग्र रूप में महादेवी की कविता में प्रधानता से विद्यमान है। मतलब उनके काव्य में वियोग के साथ साथ प्रेम भी सर्वत्र प्रधानता से और प्रमुखता से विद्यमान है। महादेवी ने अखिल ब्रह्मांड में सौंदर्य के दर्शन किए हैं और अपने गीतों में प्रमुख स्थान दिया है। महादेवी वर्मा ने प्रत्येक प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रत्येक उपकरण में, प्रत्येक चीजों में सौंदर्य का दर्शन किया है। प्रत्येक संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्होंने सौंदर्य का दर्शन किया है। स्थूल में सूक्ष्म के दर्शन उनकी सौंदर्य दृष्टि की विशिष्टता है। मतलब जो स्थूल है, जो हमारे आसपास जो चीजें बिखरी हुई है, प्रकृति के जो उपादान है, जो उपकरण है, नदी, नाले, जंगल, झरने, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उसमें उन्होंने उस विराट सत्ता के सौंदर्य का दर्शन किया है। मतलब स्थूल में उन्होंने सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब विराट सौंदर्य, परमपिता परमेश्वर का सौंदर्य, उसका दर्शन उन्होंने किया है और अपने काव्य में उसे अभिव्यक्ति भी प्रदान की है। सौंदर्य की अभिव्यंजना उनके काव्य में विभिन्न रूपों में हुई है और आनंद की सृष्टि करने में वह सफल रही हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में जो सौंदर्य वर्णन किया है, प्रकृति के उपादानों का, उस परम पुरुष विराट सत्ता के सौंदर्य का जो वर्णन किया है, वह हमारे मन में या पाठक के मन में आनंद की सृष्टि करता है और वह उसमें पूरी तरह से सफल रही है। व्यथा वेदना से आनंद की ओर यह प्रस्थान उनकी काव्य यात्रा का सार है। उनकी काव्य यात्रा का सार क्या है? पीड़ा की गहन अनुभूति से आनंद की ओर हम यात्रा करते हैं। उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उनकी कविता जहाँ दुख, वेदना और पीड़ा की गहन अनुभूति से प्रारंभ होती है, लेकिन उसका जो समापन होता है, जो अंत होता है, वह आनंद की अनुभूति से होता है। इस प्रकार दुख और पीड़ा से आनंद की ओर जो उनकी काव्य की यात्रा है, यही उनकी काव्य यात्रा का सार है। व्यथा वेदना से आनंद की ओर प्रस्थान। महादेवी की काव्य संवेदना के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। क्योंकि आज के जो हमारे व्याख्यान का विषय है, वह महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना है और उसके चार आधार स्तंभ हैं। पहला है, उसके मुख्य तत्व हम देख लेते हैं। चार मुख्य तत्व हैं। पहला तत्व है महादेवी की कविता में वेदना भाव। वेदना भाव मतलब पीड़ा या दुख का भाव। महादेवी वर्मा की कविता में दुख और करुणा का भाव प्रधान है, क्योंकि ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी और बौद्ध दर्शन में दुख या पीड़ा को बहुत ही, करुणा को बहुत ही प्रधानता से स्थान दिया गया है। बौद्ध धर्म में दुख, करुणा है ना, गौतम बुद्ध के मन में सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव था, तो उनका दर्शन, उनके दर्शन में दुख और करुणा के भाव को अत्यंत महत्व दिया गया है और इसीलिए महादेवी वर्मा की कविता में भी दुख और करुणा का भाव प्रधान है। वो तो बौद्ध भिक्षुणी भी बनना चाहती थी, किसी कारणवश नहीं बन पाई। वेदना के विभिन्न रूपों की उपस्थिति उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। मतलब वेदना के जितने भी रूप होते होंगे,
यह उन्होंने अपने काव्य में उनको अभिव्यक्ति प्रदान की है, उन्हें चित्रित किया है। वह यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करती कि वह नीर भरी दुख की बदली है। नीर मतलब जल से भरा हुआ दुख के बादल, मतलब नीर मतलब जो आंखों के जो आंसू हैं, नीर भरी दुख की बदली है। वह स्वयं को क्या कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं। महादेवी की वेदना के उद्गम के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना संभव नहीं है। उनके दुख का कारण क्या है, उनकी वेदना का कारण क्या है, इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। उनकी एक गीत की पंक्ति है, शलभ मैं शाप मैं वर हूं किसी का दीप निष्ठुर हूं। शलभ मतलब होता है फतिंगा, वो जो कीड़ा होता है जो दिया में जाकर जल के खत्म कर देता है स्वयं को। तो बोलती है मैं शलभ जैसी शाप मैं हूं, शापित हूं, किसी का दीप निष्ठुर हूं, है ना। उनके पूरे काव्य पटल पर इस तरह के असंख्य बिंब बिखरे पड़े हैं जिनसे उनके अंतस में पलती अथाह पीड़ा का स्पष्ट संकेत मिलता है। मतलब जब हम उनकी कविता को पढ़ते हैं तब हमें उनके मन में व्याप्त पीड़ा या दुख या वेदना की गहन अनुभूति का अनुभव होता है। एक विचित्र सा सूनापन, एक विलक्षण एकाकीपन बार बार उनकी कविताओं में उमड़ता दिखाई देता है। मतलब उनका जो जीवन का सूनापन है, एकाकी जीवन है, अकेलापन है, वह उनकी कविताओं में बार बार परिलक्षित होता है। महादेवी की कविता, महादेवी की वेदना अनुभूति जन्य होने के कारण उनकी कविताओं में इसकी अभिव्यक्ति भी अत्यंत सहज ढंग से हुई है, उसमें कृत्रिमता कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। महादेवी की कविता में जो वेदना वर्णित की गई है, जो वेदना या दुख या पीड़ा का जो वर्णन है, वह उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, इसीलिए यह अनुभूति जन्य होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है और उसमें कहीं भी कृत्रिमता या बनावटीपन दिखाई नहीं देता है। किंतु महादेवी की वेदना नितांत वैयक्तिक भी नहीं है, स्वयं उन्होंने अपने जीवन में दुख और अभाव की बात से इनकार किया है। महादेवी की कविता को जब हम पढ़ते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अंतर्मुखी स्वभाव होने के कारण उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत जीवन की वेदना को ही, पीड़ा को ही अभिव्यक्ति प्रदान की है। लेकिन महादेवी वर्मा ने कहा है कि उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का भाव नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। तो इसे आप एक कंट्रोवर्सी कह सकते हैं कि वास्तव में उनकी कविताओं में सब जगह दुख या पीड़ा के भाव तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है और किसी प्रकार का भाव नहीं है। वस्तुतः उनके वेदना भाव का प्रासाद दो आधार भूमियों पर टिका हुआ है। मतलब उनके जो वेदना भाव है, जो दुख या पीड़ा का भाव है, उसका जो राजमहल है, जो मंदिर है, वह दो स्तंभों पर खड़ा है, आध्यात्मिक भावभूमि तथा मानवतावादी भावभूमि। आध्यात्मिक भावभूमि मतलब उनका जो प्रणय निवेदन है परम पुरुष विराट सत्ता के प्रति, और दूसरा मानवतावादी भावभूमि मतलब समाज के जो दलित शोषित उपेक्षित वर्ग हैं, जो उनके मन में जो पड़ने वाली जो पीड़ा है, उनके जो दुख हैं, वह उनका भी वर्णन करती हैं। दोनों आधार भूमि परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं। अब चाहे वह परम पिता परमेश्वर विराट सत्ता के प्रति उनका प्रणय निवेदन है, उनके उनके प्रति दुख या वेदना का भाव है, या फिर जो सामाजिक शोषण है ना, जो दमित और शोषित जो लोग हैं उनकी भावनाओं का अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे आत्मा और परमात्मा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वैसे आध्यात्मिक भावभूमि और मानवतावादी भावभूमि एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों का ही वर्णन किया है। बौद्ध धर्म के अध्ययन और उनके और उसके प्रति उनके रुझान ने भी महादेवी के वेदना भाव के लिए आध्यात्मिक भावभूमि तैयार की। महादेवी ने दुख को आध्यात्मिक स्तर पर ही अपनाया। तो हम कह सकते हैं कि महादेवी के मन में जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो दुख है, वह उसे उन्होंने बौद्ध धर्म से ग्रहण किया है। मतलब उन्होंने दुख या पीड़ा की जो दार्शनिकता है उसे बौद्ध धर्म से ग्रहण किया है, इसीलिए महादेवी वर्मा के दुख को वैयक्तिक या व्यक्तिगत दुख या वेदना या पीड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे केवल उनके एकाकी जीवन का ही दुख या वेदना या पीड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने दुख को आध्यात्मिक स्तर पर अपनाया है, बौद्ध धर्म से ग्रहण किया है। महादेवी के वेदना भाव प्रासाद की दूसरी आधार भूमि मानवतावादी भूमि है। मानवतावादी भूमि से तात्पर्य जो समाज में जो दुखी शोषित दलित दमित व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनके दुख या पीड़ा को अपनी कविता में अभिव्यक्ति प्रदान करना, इसे कहा जाता है मानवतावादी भाव भूमि। उनकी जो दो दो कविता संकलन है, सांध्य गीत और दीपशिखा, में उनकी वेदना को मानव मात्र के प्रति करुणा के रूप में देखा जा सकता है। मतलब उनके सांध्य गीत और दीपशिखा जो संकलन है, उनमें इन्होंने जिन कविताओं को संकलित किया है
उसमें जिस वेदना को व्यक्त उन्होंने किया है उसे मानव मात्र मतलब आम जनता की वेदना के प्रति करुणा के रूप में देखा जा सकता है, उनके प्रति दया या करुणा की भावना के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टि से दीप शिखा महादेवी की अनुपम कृति है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम विचार करते हैं तो दीप शिखा जो संकलन है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कृति है, अनुपम कृति है। महादेवी के काव्यलोक में वेदना की परिणति आनंद में होती है, मतलब महादेवी की जो कविता है वह वेदना से शुरू होती है लेकिन उसका जो समापन होता है, जो समाप्ति होती है वह आनंद में होती है। यहाँ तक कि मृत्यु को भी महादेवी वर्मा अंत अथवा दुखद नहीं मानती, वो तो यहाँ तक बोलती है कि यह दुख है, जो मृत्यु है वह भी दुखद नहीं है, है ना, अंत अंत नहीं है जीवन का, अमरता है जीवन का रास, अमर हो जाना वास्तव में जीवन का पतन है, मृत्यु जीवन का चरम विकास, लेकिन जो मृत्यु है वह जीवन का चरम विकास है, चरमोत्कर्ष है, शिखर है। उनके दृष्टि में तो महादेवी एक नई आशा, उमंग और आनंद की ही सृष्टि करना चाहती हैं, वह तो सब बुझे दीपक जला देना चाहती हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि महादेवी वर्मा का काव्य पूरी तरह निराशा की भावना से ओतप्रोत है, बल्कि वे तो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में नई आशा, उमंग, आनंद का संचार करना चाहती हैं। वह तो सभी दीप, बुझे हुए दीप जला देना चाहती हैं और उम्मीदों, आशाओं, आकांक्षाओं के दीप से पूरी दुनिया को रोशन करना चाहती हैं। महादेवी वर्मा में वेदना का व्यक्तिगत रूप मिलता है तो समष्टिगत रूप भी। उनकी कविता में जो वेदना पाई जाती है तो वह व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, समष्टिगत भी है। आम जनता की वेदना की, समाज की जनता, समाज में जो दलित, शोषित, दमित जो लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके उनकी जो पीड़ा है उसे भी, उसकी वेदना को भी उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान किया है। उनके वेदना भाव का महल आध्यात्मिक और मानवतावादी भावभूमियों पर खड़ा है। उनकी वेदना के बारे में कोई एक निश्चित राय नहीं है, उनके बारे में हम कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि उनकी काव्य में जो वेदना है वह केवल व्यक्तिगत है या फिर समष्टिगत है, मतलब उसमें दोनों ही रूप पाए जाते हैं, आध्यात्मिक भी और मानवतावादी भी। किंतु यह तो हम कह ही सकते हैं कि यह सहज है, इसका वर्णन कवित्री ने स्वयं किया है और अपनी कविता में उसे स्थान दिया है। लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि चाहे व्यक्तिगत वेदना हो, चाहे सामाजिक या आध्यात्मिक वेदना हो, यह उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त है और इसका वर्णन उन्होंने स्वयं किया है और अपनी कविताओं में प्रमुखता से स्थान भी दिया है। उनकी वेदना प्राणी मात्र के प्रति करुणा का रूप धारण करती है और वह अपने काव्य में समस्त मानव समाज, इसके वंचित शोषित वर्ग की पक्षधरता करती हैं, मतलब उनकी जो वेदना है उसमें मानवतावादी दृष्टिकोण निहित है। अब आम जनता के जीवन में जो दुख है, जो करुणा है, जो पीड़ा है ना, उसे वंचित और शोषित वर्ग की जो पीड़ा है उसकी गहन अनुभूति को उन्होंने अपने काव्य में स्थान प्रदान किया है और उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उनके काव्यलोक में वेदना की परिणति आनंद में होती है और वह अपनी कविताओं के माध्यम से दुखी जनों में नई आशा, उमंग और आनंद का संचार करती हैं। उनकी कविता दुख और पीड़ा की गहन अनुभूति से शुरू होती है लेकिन आनंद की गहन अनुभूति में जाकर समाप्त होती है। इस प्रकार वे जो शोषित, उपेक्षित, दलित और दमित वर्ग हैं उनमें आशाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों का संचार करती हैं। उनके काव्य का, उनकी काव्य संवेदना का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उनके काव्य में व्याप्त रहस्य भावना, जिसे अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहा जाता है। महादेवी वर्मा और रहस्य भावना एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, है ना। जो रहस्यवाद है हिंदी साहित्य में, उसे छायावाद के रूप में हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है। तो महादेवी वर्मा के काव्य में जो रहस्य भावना है उसको समझने के लिए पहले हमको रहस्यवाद का अर्थ समझना पड़ेगा, उसका पारंपरिक अर्थ, पारिभाषिक अर्थ समझना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। मत दार्शनिक चिंतन, चिंतन के संदर्भ में जिसे हम अद्वैतवाद कहते हैं, आत्मा और परमात्मा के अद्वैत होने के बारे में वर्णन करते हैं, यह एक दार्शनिक चिंतन है अद्वैतवाद। तो भावना के क्षेत्र में उसे ही हम रहस्यवाद कहते हैं। दर्शन के क्षेत्र में या चिंतन के क्षेत्र में जिसे हम अद्वैतवाद कहते हैं, भावना के क्षेत्र में उसे हम रहस्यवाद कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य में आत्मा की मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है, मतलब आत्मा की जो अनुभूति होती है जब हम उसे काव्य में व्यक्त कर देते हैं तब उसे कहा जाता है रहस्यवाद। इस आलोक में हम महादेवी वर्मा की कविता में रहस्यानुभूति की उपस्थिति का आकलन करें तो भी यही प्रमाणित होता है कि वह सर्वत्र और प्रत्येक उपादान तथा प्रकृति व्यापार में एक विराट सत्ता के दर्शन करती हैं।
जब हम एक रहस्यवादी कवि के रूप में महादेवी वर्मा का वर्णन करते हैं तब हम पाते हैं कि महादेवी वर्मा प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रत्येक उपकरण में, है ना, हमारे आसपास जो प्रकृति है, नदी, पहाड़, झरने और जीव जंतु जो भी हमारे आसपास दिखाई देते हैं, उसमें वे उस परम पुरुष या विराट सत्ता के दर्शन करती हैं और उनके प्रति अपना प्रणय निवेदन करती हैं। इसे ही रहस्यवाद कहा जा सकता है, क्योंकि वह प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रत्येक चीज़ों में उस विराट सत्ता के को का दर्शन करती हैं, उसे महसूस करती हैं और उसे काव्य में अभिव्यक्ति भी प्रदान करती हैं। इस आलोक में हम महादेवी वर्मा की कविता में रहस्यानुभूति की उपस्थिति का आकलन करें तो भी यही प्रमाणित होता है कि वह सर्वत्र प्रकृति के प्रत्येक उपादान तथा प्रकृति व्यापार में एक विराट सत्ता का दर्शन करती है। मतलब प्रकृति की, प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, नदी, पहाड़, झरने, है ना, बाग बगीचे और जो जीव जंतु हमारे आसपास जो घूम रहे हैं, उन सभी में वो उस विराट सत्ता के सौंदर्य का दर्शन करती हैं। वह स्वयं को प्रकृति का ही कोई अंग मानकर उस दिव्य सत्ता से मिलन को तत्पर रहते हैं। उन्होंने स्वयं को प्रकृति माना है और जो प्रकृति है वह विराट सत्ता से मिलना चाहती है, उस परम पुरुष से मिलना चाहती है। मतलब प्रकृति नारी है जो परम पुरुष से मिलना चाहती है, विराट सत्ता से मिलना चाहती है और उसे मिलन के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा ने स्वयं को प्रकृति के रूप में समझा है और उस प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो विराट सौंदर्य है, उसमें जो विराट सत्ता है, परम सत्ता है, उससे वह मिलन के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कवित्री अपने परम प्रिय से मिलने की इच्छा व्यक्त करती हैं। महादेवी वर्मा उस विराट सत्ता से मिलने के लिए लिखती हैं, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पद पखार। मतलब बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, जो तुम आ जाते एक बार। तो वास्तव में वह इस रहस्यवाद के माध्यम से, रहस्यात्मक के माध्यम से उस विराट पुरुष, परम पुरुष के प्रति प्रणय निवेदन करती हैं और उसे मिलने की इच्छा व्यक्त करती हैं कि काश तुम एक बार मेरे जीवन में आ जाते। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को प्रकृति मानकर तथा उस विराट सत्ता के प्रति अपने प्रणय को निवेदन उन्होंने किया है। महादेवी वर्मा में रहस्यानुभूति के विविध रूपों के दर्शन होते हैं। विविध प्रकार की रहस्यानुभूति पाई जाती है। मिलन की इच्छा, उस विराट सत्ता से मिलने की इच्छा, उसका स्मरण, उसे याद करना, स्वप्न और साक्षात मिलन के बाद विरह का अनिवार्य चरण भी आता है। महादेवी की कविता में विरह के उदाहरणों की तो कोई कमी नहीं है, बल्कि उनका समूचा काव्य ही विरह के रंग में रंगा हुआ है। उनके लिए तो संपूर्ण जीवन ही विरह का जलजात है। विरह का जलजात मतलब, जलजात मतलब होता है जल से उत्पन्न। तो उनका संपूर्ण की संपूर्ण कविता क्या है, विरह का जलजात है। किंतु वह अपनी लघुता को भी स्वीकार करती हैं, शुद्र हैं मेरे बुद्ध प्राण, तुम ही में सृष्टि, तुम ही में नाश। वह कहती हैं कि आप तो हे विराट सत्ता, आप तो समुद्र की तरह असीम हो, है ना, असीम विस्तार है आपका, और उसमें मैं एक छोटी सी बूंद की तरह हूँ, मेरे जो प्राण है वह एक छोटी सी बूंद की तरह है। इस प्रकार उनके विरह के उदाहरणों की भी उनकी कविता में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग भी अवश्य होता है। अगर रात होती तो दिन भी होता है और दिन होता है तो रात भी अवश्य होती है। उसी तरह संयोग के बाद वियोग भी अनिवार्य है, अवियोग के बाद पुनः संयोग भी होता रहता है और यह चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है। महादेवी के काव्य में रहस्यानुभूति के सभी चरण देखने को मिलते हैं। रहस्यानुभूति के जितने भी रूप हैं वह इनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं। वह सर्वत्र एक विराट सत्ता के अस्तित्व का अभिज्ञान करती है। वह प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रत्येक उपकरण में उस विराट सत्ता के अस्तित्व को महसूस करती हैं। वह उससे मिलने की इच्छा रखती हैं, उसके प्रति समर्पण भाव दर्शाती हैं, उसके साथ तादात्म्य को तत्पर रहती हैं। न केवल वह इस परम पुरुष या विराट सत्ता के अस्तित्व को महसूस करती हैं, बल्कि वह उससे मिलने की भी इच्छा रखती हैं, उसके प्रति समर्पण भाव भी रखती हैं, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहती हैं और यह परम सत्ता, वह परम सत्ता उन्हें विराट उपस्थिति से चकित करती है और उनमें कौतूहल और जिज्ञासा भी उत्पन्न करती है। तो वह उस विराट सत्ता के अस्तित्व को महसूस कर उसके प्रति कौतूहल और जिज्ञासा का भाव महसूस करती हैं। प्रकृति के विविध उपकरणों में वह उस अलौकिक प्रिय प्रकृति के विविध उपकरणों में वह उस अलौकिक प्रिय के अपार अमीर सौंदर्य की कल्पना करती है। मतलब वह देखती है कि हमारे आसपास जो प्रकृति है वह इतनी सुंदर है, तो उसको बनाने वाला जो परम सत्ता है, जो परम पुरुष है, वह कितना सुंदर होगा, है ना। प्रकृति के विविध उपकरणों में वह उस अलौकिक प्रिय,
अपार अमित सौंदर्य की कल्पना करती हैं। एक गाना आपने सुना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। तैयबासी है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो वह विराट पुरुष वह परम पुरुष कितना सुंदर होगा, और वह इसीलिए प्रकृति के प्रत्येक उपादान में वह उस परम सत्ता विराट सौंदर्य परम सत्ता के विराट सौंदर्य का दर्शन करती हैं और उसको अपनी काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। वह उसके साथ एकाकार भी होना चाहती हैं, वह उससे मिलना भी चाहती हैं, मिलन भी चाहती हैं, और नारी सुलभ लज्जा और संकोच उनका साथ भी नहीं छोड़ते। जैसे जो नायिका होती है वह अपने प्रेमी से मिलना भी तो चाहती है, लेकिन नारी सुलभ जो लज्जा है, जो संकोच है, वह उसके कारण वह अपने मन की भावनाओं को कभी अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पाती। तो महादेवी वर्मा में भी यह भाव विद्यमान है, वह स्वयं को प्रकृति समझती हैं और उस परम पुरुष विराट सत्ता से मिलने की इच्छा भी रखती हैं, लेकिन नारी सुलभ जो संकोच है, जो लज्जा है, वह उनका साथ भी नहीं छोड़ते। वह विरह के ताप को भी झेलती हैं, इसीलिए वह उस परम सत्ता से विरह के ताप को भी महसूस करती हैं, उसके दुख को भी महसूस करती हैं कि वह उनसे मिल नहीं पा रही हैं। उनकी रहस्यानुभूति उन्हें मानव समाज के उपेक्षित शोषित वर्ग के कल्याण के प्रति भी सजग करती हैं। तो उनकी रहस्यानुभूति केवल एकांतिक या वैयक्तिक नहीं है, बल्कि उनके मन में जो रहस्यानुभूति है वह हमारे जो मानव समाज में रहने वाले जो लोग हैं, दलित दमित शोषित है ना, उपेक्षित शोषित वर्ग के कल्याण की कामना के प्रति भी सजग रहती हैं। अपनी कविताओं में उनके कल्याण की कामना करती हैं, अपनी कविताओं में उनमें उम्मीदों आशाओं और आकांक्षाओं का संचार भी करती हैं। उनमें छायावादी युग की मुक्ति की कामना और मुक्ति संघर्ष का तीव्र रूप भी मिलता है। छायावादी काव्य का समय आज़ादी के पहले का समय है, 1918 से 1936 का जो समय है वह हिंदी साहित्य में छायावाद कहा जाता है। इसीलिए उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था और सभी लोग स्वतंत्र राष्ट्र में रहने की कामना करते थे, आज़ादी चाहते थे। तो जो मुक्ति की कामना है, जो मुक्ति का संघर्ष भी है, उसकी चेतना भी छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है, जो महादेवी वर्मा के काव्य लोक में भी दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो छायावादी कहे जाने वाले कवियों में केवल महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जितने भी कवि छायावादी कहे जाते हैं उनमें जो रहस्यवाद है, जो रहस्य की भावना है, वह महादेवी वर्मा में ही चरमोत्कर्ष तक पहुँचा, शिखर तक पहुँचा। मतलब अन्य जो छायावादी कवि थे उन्होंने महादेवी वर्मा के स्तर की रहस्यवादी रचनाएँ नहीं लिखी हैं, और महादेवी वर्मा ने उसे शिखर तक पहुँचाया है और उसकी परिधि के भीतर रही है। तीसरा है, महादेवी की कविता में प्रणय की अनुभूति, प्यार या प्रेम की अनुभूति और उसका वर्णन। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रेम एक मूल भाव के रूप में प्रकट हुआ है, उनका प्रेम अशारीरी है। मतलब प्रेम या प्रणय की भावना उनके काव्य का एक प्रमुख तत्व है, लेकिन उनका जो प्रेम है, जो प्रणयानुभूति है, वह अशारीरी है, शारीरिक या मांसल प्रेम नहीं है। मतलब उनका जो प्रेम है वह परम पुरुष के प्रति है, आध्यात्मिक प्रेम है। यह करुणा से आप्लावित प्रेम है, मतलब करुणा है उनके मन में, बौद्ध धर्म के कारण उनके मन में करुणा का जो भाव है, दलित और शोषित लोगों के प्रति जो उनके मन में करुणा है, उससे आप्लावित प्रेम है। अलौकिक दिव्य सत्ता के प्रति उनकी प्रणयानुभूति में दाम्पत्य प्रेम की झलक भी मिलती है और अलौकिक स्पर्श का आभास भी। जिस प्रणयानुभूति को उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया है उसमें कभी कभी हमको महसूस होता है कि यह पति पत्नी के बीच पाया जाने वाला प्रेम है, इसका हमको आभास मिलता है और उसमें अलौकिक स्पर्श का आभास भी पाया जाता है। इसलिए उन्हें आध्यात्मिक युग की आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है ना। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मीरा का जो प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति वह आध्यात्मिक था, अशारीरिक प्रेम था, मानसिक प्रेम नहीं था। इसी प्रकार महादेवी वर्मा का जो प्रेम है वह भी अशारीरिक प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है और उसमें अलौकिकता का स्पर्श भी है। महादेवी की कविता में व्यक्त प्रेम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यह एक स्त्री की लेखनी से किया गया स्त्री मनोभावों का चित्रण है। जब एक महिला अपने स्वयं ही प्रणय निवेदन करती है और उस प्रणय की भावनाओं को अपनी कविताओं में स्थान देती है तो यह उसके द्वारा भोगा गया यथार्थ होता है, स्वयं के द्वारा अनुभूत प्रेम या प्यार होता है। तो इसी कारण एक स्त्री ही स्त्री के मनोभावों का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण कर सकती है। इसलिए महादेवी वर्मा के काव्य में जो प्रणयानुभूति पाई जाती है वह विलक्षण है क्योंकि यह एक स्त्री के द्वारा स्त्री के मनोभावों का किया गया चित्रण है। महादेवी ने प्रकृति के उपकरणों में जिस सौंदर्य के दर्शन किए उसी से उनकी प्रणयानुभूति का उद्भव हुआ और इसी विराट सौंदर्य के प्रति वह अपने प्रणयोद्गार व्यक्त करती रही।
महादेवी वर्मा ने प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रत्येक उपकरण में, प्रत्येक चीज में जिस सौंदर्य का दर्शन किया, इससे उनके मन में प्रणयानुभूति उत्पन्न हुई उस विराट सौंदर्य के प्रति, उस विराट सत्ता के प्रति। और इसी विराट सत्ता या परम पुरुष के प्रति वह अपने प्रणयोद्गार मतलब प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करती रहीं, प्रेम के उद्गार व्यक्त करती रहीं। उनमें अपने अलौकिक प्रिय से मिलने की अति तीव्र इच्छा है, वह कहती हैं मतलब उनमें परम पुरुष या विराट सत्ता से मिलने की तीव्र इच्छा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं का निरूपण या चित्रण प्रकृति के रूप में किया है। और वह अपने परम पुरुष से मिलने के लिए कहती हैं कि काश आप मेरी जिंदगी में एक बार आ जाते, मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाते। वो लिखती हैं जो तुम आ जाते एक बार, कितने करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। यथार्थ में मिलन न होने पर भी वह स्वप्न में अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेती हैं। जब परम पुरुष से उनका वास्तव में यथार्थ में मिलन नहीं हो पाता तो वह सपने में अपने परम पुरुष से विराट सत्ता के दर्शन करती हैं, उससे मिलन करती हैं। उन्होंने स्वप्न के माध्यम से अनेक गीतों में अपनी प्रणयानुभूति को व्यक्त किया है। ऐसा ही एक उदाहरण है, पल भर का वह स्वप्न तुम्हारी युग युग की पहचान बन गया। मतलब जब अपने परम पुरुष से यथार्थ जीवन में नहीं मिल पाती हैं तब उसे सपने में मुलाकात करती हैं। अब यह कहती है कि पल भर में जब तुम मेरे सपनों में आए तब वह युग युग की पहचान बन गया, मतलब जीवन भर के लिए मैं उसे उसकी यादों को संभाल कर रखूंगी और वही मेरी पहचान है। प्रेम कितना भी गहन तीव्र प्रगाढ़ निश्चल और माधुरी मूलक हो, विरह की अपरिहार्यता तो संभावित ही रहती है। प्रेम कितना भी गहरा हो, कितना भी तीव्र हो, कितना भी निश्चल हो, उसके साथ वियोग तो अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, मतलब संयोग के साथ हमेशा वियोग भी जुड़ा रहता है। संपूर्ण जीवन को विरह का जलजात मान लेने वाली महादेवी ने निश्चय ही विरह की व्यथा को साक्षात भोगा हुआ। अपने संपूर्ण जीवन को विरह का जलजात, जलजात मतलब जल से उत्पन्न, अपने संपूर्ण जीवन को नीर भरी दुख की बदली और विरह का जलजात मान लेने वाली महादेवी वर्मा ने निश्चित रूप से विरह की वेदना को, विरह की पीड़ा को भोगा होगा, साक्षात भोगा होगा। इसीलिए उनकी कविता में जो विरह वेदना है, जो प्रणयानुभूति है, उसकी गहन और तीव्रतर चेतना सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र परिलक्षित होती है। महादेवी की कविता में सौंदर्य चित्रण, सौंदर्य चित्रण छायावाद की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। महादेवी की कविता में भी सौंदर्य चित्रण के विभिन्न रंग यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। सौंदर्य की उद्भाविका, उद्भाविका मतलब जन्म देने वाली, उद्भव करने वाली। सौंदर्य की उद्भाविका, उद्भाविका मतलब जो जन्म देता है, जो उद्भव करता है, जन्म देने वाली। सौंदर्य की उद्भाविका महादेवी वर्मा सौंदर्य की अद्भुत चित्री हैं। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने सौंदर्य वर्णन किया है, प्रकृति का वर्णन किया है। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड में सौंदर्य के दर्शन किए हैं और इस अनुभूति से गुजरते हुए उन्होंने इसके विभिन्न रूपों का चित्रांकन अपनी लेखनी से किया है। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में सौंदर्य को महसूस किया है, उसके दर्शन किए हैं और उसे अपनी लेखनी से जीवंत भी किया है और जीवंत रूप में अपने काव्य में चित्रित किया है। महादेवी वर्मा ने सर्वत्र एक विराट सत्ता के दर्शन किए हैं, मतलब एक विराट सत्ता सर्वत्र विद्यमान है प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, और इसी अरूप पुरुष का दिव्य सौंदर्य उन्हें आकृष्ट करता है और वे उसी के चिर सौंदर्य से प्रभावित होकर उसका गुणगान करते हैं। तो महादेवी वर्मा सर्वत्र एक विराट सत्ता या विराट चेतना का दर्शन करती हैं और उसके सौंदर्य से अभिभूत होकर उसके सौंदर्य का ही गुणगान अपने काव्य में करती हैं। वह इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनके काव्य में उस विराट पुरुष या परम पुरुष के सौंदर्य की चेतना सर्वत्र परिलक्षित होती है और उसे उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से चित्रित भी किया है, उसका वर्णन किया है। यह सौंदर्य उन्हें प्रकृति के प्रत्येक उपकरण, प्रकृति के प्रत्येक चीज, प्रत्येक उपादान में दिखाई देता है, इसलिए प्रकृति की सुषमा का वर्णन उनके संदर्भ में एक परम प्रिय के सौंदर्य का ही वर्णन है। क्योंकि उन्हें प्रकृति बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, इसीलिए जब वह प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करती हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में वे अपने परम पुरुष के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। इसीलिए उनकी सौंदर्यानुभूति में रहस्यात्मकता की उपस्थिति दिखाई देती है। इसीलिए हम यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में वे प्रकृति का के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि उस परम पुरुष विराट सत्ता विराट चेतना के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं जिन्होंने इस पूरी प्रकृति को बनाया है। इसलिए जब वे सौंदर्यानुभूति में, इसलिए महादेवी वर्मा के सौंदर्य वर्णन में उनकी सौंदर्यानुभूति में रहस्यात्मक की उपस्थिति, रहस्यात्मकता की उपस्थिति दिखाई देती है। महादेवी ने अपनी व्यक्तिगत प्रणयानुभूति
और वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का भी सहारा लिया। महादेवी वर्मा ने प्रणय की अनुभूति के लिए, प्रणय की व्याख्या के लिए उसको प्रणयानुभूति और वेदनानुभूति, है ना, अपना प्रणय भावना की अभिव्यक्ति के लिए और वेदना की भावना की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति के उपादानों का सहारा लिया है, प्रकृति के उपकरणों का सहारा लिया है। जो कुछ वह सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप में नहीं कह सकती थी, प्रकृति का आवरण लेने पर वही सब कुछ अत्यंत सहज सरल ढंग से कह जाती है। मतलब स्त्री होने के कारण उनके मन में एक संकोच का भाव है और इसी संकोच के कारण कुछ बातें वह स्पष्ट रूप से नहीं कह पाती हैं, लेकिन प्रकृति के विभिन्न उपकरणों, उपादानों और चीज़ों का सहारा लेकर वे उन्हीं बातों को बहुत ही सहज सरल और आसानी से कह जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, उड़ उड़कर जो धूल करेगी मेघों का नभ में अभिषेक, अमिट रहेगी उसके अंचल में मेरी पीड़ा की रेख। मतलब जो जमीन में उड़ने वाले जो धूल हैं उसका मिलन किससे होता है, जो आकाश में उड़ने वाले बादल हैं। इस प्रकार उन्होंने मिलन की व्याख्या की है, प्रकृति और पुरुष का मिलन की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से किया है। अब निष्कर्ष या उपसंहार, अंत में आपको यह अवश्य लिखना चाहिए, उपसंहार लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं। तो यह आपके उत्तर का अत्यंत महत्वपूर्ण है, अभी तक आपने जो भी बताया ये आपका उपसंहार हो गया। उपसंहार या निष्कर्ष का मतलब यह है कि अभी तक आपने जो भी ऊपर वर्णन किया है उसको संक्षेप में लिखना, यह आपके उत्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। प्रस्तावना मतलब आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं कि भाई मैं इस विषय में लिखने वाला हूँ, यह बातें मेरे उत्तर में आएंगी, यह हो गया उपसंहार। उसके बाद आप यह हो गया प्रस्तावना, फिर आप उन चीज़ों की व्याख्या करते हैं, तो वह बॉडी या कंटेंट मेन कंटेंट हो जाता है। सबसे पहले आता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है बॉडी या कंटेंट मेन कंटेंट जो आप लिखते हैं, और अंत में आता है उपसंहार या निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह आपके उत्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यहाँ पर आपने ऊपर जो भी बताया उसको संक्षेप में समराइज करके लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, पैसी राइटिंग, सार या संक्षेप। निष्कर्ष, अतः हम यह कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा का काव्य प्रासाद चार स्तंभों, मतलब महादेवी वर्मा के काव्य का जो राजमहल है, जो देव मंदिर है, जो महल है, वह चार स्तंभों पर खड़ा है। कौन कौन से हैं? वेदनानुभूति, वेदनानुभूति, रहस्य भावना, प्रणय भावना और सौंदर्यानुभूति। मतलब उनके काव्य संवेदना के चार आधार स्तंभ हैं, वेदनानुभूति, प्रेम वेदना या पीड़ा की अनुभूति, रहस्य की भावना, प्रणय भावना मतलब प्रेम भावना, और सौंदर्यानुभूति, सौंदर्य की अनुभूति। अलौकिक सत्ता के प्रति व्यक्त प्रणय भाव में जहाँ एक और वेदना का भाव निहित है, वहीं दूसरी और रहस्य भावना भी विद्यमान है। मतलब जो जो अलौकिक सत्ता है, परम पुरुष है, विराट सत्ता है, उसके प्रति प्रणय निवेदन में एक और जहाँ वेदना का भाव है, क्योंकि वह उससे मिल नहीं पा रही है तो मन में पीड़ा या वेदना की भावना है, वहीं दूसरी और उसमें रहस्य भावना भी विद्यमान है। उन्होंने अपने संपूर्ण काव्य में इन्हीं चार काव्य संवेदनाओं का वर्णन किया है। ऊपर जो चार काव्य संवेदना बताए गए हैं आपको, वेदनानुभूति, रहस्य भावना, प्रणय भाव और सौंदर्यानुभूति, उन्होंने अपने संपूर्ण काव्य में इन्हीं चार काव्य संवेदनाओं का वर्णन किया है, और इसे केवल वर्णन ही नहीं किया है बल्कि उन्हें शिखर तक पहुँचाया है, शिखर तक पहुँचाया है, चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया है। उनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना और भावनात्मक गहनता के चलते ही उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनके काव्य में जो विरह वेदना है, जो मीरा में था, भगवान कृष्ण से नहीं मिल पाने के कारण उनके मन में जो विरह वेदना थी और भावनात्मक गहनता थी, जो इमोशनल डेप्थ था, भावना की जो गहराई थी, तो इसीलिए उन्हें मीरा से उनकी तुलना की जाती है और उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा की कविता मैं निर्भरी दुख की बदली की ये पंक्तियाँ यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है। तो देख सकते हैं कितनी महान कवियत्री थी, इनकी तुलना मीरा से की जाती है, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, और उसके लिए ये जो पंक्तियाँ हैं इसे आपको परीक्षा में कोट करना बहुत ही जरूरी है, इसे उद्धृत करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये पंक्तियां हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, इसे आप अपने परीक्षा में जरूर उद्धृत करें, आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। और इसके साथ ही मेरा यह आज का एपिसोड
समाप्त होता है। यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।